दोस्तों, सैमसंग के इस कीपैड मोबाइल में वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि बात करते हुए यहाँ से वॉइस नहीं जा पा रही है और वहाँ की वॉइस प्रॉपरली आ रही है बट यहाँ की वॉइस नहीं जा पा रही है। तो यहाँ पर इसमें क्या प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि माइक कैसे चेक करा जाता है। माइक को चेक करने के लिए आप वॉइस रिकॉर्डर पर जाके इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिकॉर्ड करके जो भी आप बोलेंगे वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर माइक सही रहा तो जो भी इसमें रिकॉर्ड होगा वो आपको सुनाई देगा। चलिए आपको सुनाता हूँ। हेलो 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 हेलो। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेकंड्स की वॉइस रिकॉर्ड कर ली है, अब मैं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ। देखिए, तो कस्टमर का कहना था बहुत ही धीमा आवाज़ आ रही है, बट चेक करेंगे अभी। सुन सकते हैं आप। ऐसा लग रहा कि साउंड आ रहा है बट उतना प्रॉपर नहीं आ पा रहा, यानी कि खास नहीं सुनाई दे रहा। चलिए इसको डिलीट करते हैं एंड यहाँ पर मोबाइल को खोल के देखते हैं इसमें प्रॉब्लम माइक से है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। या फिर देखें तो ये ब्लॉक भी है, कभी कभी ये ब्लॉक हो जाता है, इसकी वजह से भी हो सकता है बट काफ़ी चांसेस इसमें माइक के ही रहते हैं। चलिए खोल के देखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। हमारे चैनल पर बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों के लिए आती रहती हैं और आपको कुछ नई नई चीज़ें हम अपने चैनल पर सिखाते रहते हैं, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फटाफट से इसको खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक खुल चुका है और एक बार हम ऐसे इसमें चेक करेंगे। माइक तो सही लग रहा है वैसे, माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं, ओरिजिनल ही है ना। पहले ऐसे ही चेक कर लेते हैं हम। उसके बाद हम यहाँ पर जो ब्लॉक है ना, ये होल को खोल के देखेंगे। पहले ऐसे हम चेक करके देखे थे। हेलो हेलो हेलो। देखते हैं क्या ये प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ या फिर नहीं। देखिए, हेलो 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 दोस्तों, इसका माइक बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम कहाँ से है अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये माइक का होल रहता है, ये बंद होने की वजह से ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो आपने सबसे पहले इस होल को इस तरीके से खोलना है। देखिए, इस तरीके से इसे खोलना है और अंदर देखिए काफ़ी कचरा इसमें फंसा हुआ है। तो उसको खोलने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा। देखिए, कभी कभी ये प्रॉब्लम्स आती हैं बट मैं ये नहीं कहूँगा कि यार आप इसको घर पे ठीक करें। अगर हाँ, कुछ टूल्स हैं जिसकी मदद से आप इसे क्लीन करना चाहें तो कर सकते हैं, और डायरेक्ट इसमें पिन मत डाल दें। आप मोबाइल को पहले खोल लें उसके बाद ही पिन डालें, वरना माइक पे अगर सीधे इस तरीके से ना, इस तरीके से अगर पिन आपने डाल दी डायरेक्टली तो सीधे माइक के पर्दे से टच होगी और उसका पर्दा जो है फट सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए डायरेक्ट आप ना पिन मत डालें। काफ़ी लोग डायरेक्ट पिन डाल देते हैं, ये चीज़ गलत है। इस इसको आप देख लेना। देखिए, हमने बहुत ही सस्ते में इसको ठीक कर दिया है। सस्ता नहीं बल्कि कुछ भी चार्ज नहीं लगा इसमें, बस अपना ही हम चार्ज ले लेंगे, जो भी चार्ज हमारा रहेगा खोलने का और क्लीन करने का। लेकिन माइक का चार्ज नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमने माइक इसमें चेंज करा ही नहीं है। देखिए, इसे हमने पूरा क्लीन कर दिया है और यहाँ पर देखिए ये होल पूरा क्लीन हो चुका है। अब इसको हम एक बार और टेस्ट करेंगे इसके साथ में लगा के। चलिए, चलिए तो दोस्तों, हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके। ये चीज़ हमने रिकॉर्ड कर ली है, देखिए अब हम आपको सुनाते हैं। एक सेकेंड। तो दोस्तों, हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि बिना किसी माइक को चेंज किए हुए हमने इसकी जो
प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर लिया है। तो कभी कभी ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे फॉल्ट्स भी आ जाते हैं जिनका सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो जाता है। तो यार यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ, और बाकी और भी वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, और बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच दिस वीडियो।